हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 55th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पर

लीजिए एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सोशल टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल एनवायरमेंट इसको पेस्टले भी से भी लर्न कर सकते हैं पेस्टले ई एस -E टी ई -E, पेस्टले ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट ठीक है तो ये पांच डायमेंशन होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के तो ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं ठीक है तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो 1991 से पहले 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी बहुत फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस कर रही थी जो गवर्नमेंट बजट है उसमें डिफिसिट था उसमें हैवी डिफिसिट था प्लस इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा था जो कॉमोडिटीज थी उनकी प्राइसेस तेजी से बढ़ रही थी तो इसलिए देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम इकोनॉमिक रिफॉर्म तो इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत थी तो इसीलिए फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 जुलाई 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की ठीक है और ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसका पर्पस क्या था इसका एम था कि ये जो इन्वायरमेंट है ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसको और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनाया जाए

ठीक है और ये कब आई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये आई थी 1991 में इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से अनाउंस किया गया था फिर इसका नाम चेंज होकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी से कहते हैं ठीक है तो चलिए अब इसके ब्रॉड कुछ फीचर्स हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सबसे पहला फीचर क्या है सबसे पहला फीचर है डी लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग होता है देखिए एक होता है लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आपको फर्म अपनी खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो उसे कहते हैं लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग मतलब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जहां पे लाइसेंसिंग खत्म कर दिया गया अबॉलिश कर दिया गया ठीक है लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया ठीक है अब कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं कुछ फ्यू सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे लाइसेंस uh, रिक्वायर्ड है अदरवाइज बहुत सारे सेक्टर्स को डी लाइसेंस कर दिया गया तो दिस इज द द वन ऑफ फीचर ऑफ दिस पॉलिसी दूसरा फीचर जो इस पॉलिसी का है वो ये है कि इट डिक्रीजेज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इस पॉलिसी के तहत जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो रोल है वो लिमिटेड कर दिया गया ठीक है डिक्रीज कर दिया गया इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए ठीक है जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन इंडस्ट्री में ओपन हो सकती हैं तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया इस पॉलिसी के तहत ठीक है दिस इज द सेकंड फीचर तीसरा फीचर जो इस पॉलिसी का था दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट देखिए एक होता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी वैसे तो इन्वेस्टमेंट कई टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं बट यहाँ पे जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो बताती हो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब किसी कंपनी के शेयर खरीदना किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना दैट इज इन्वेस्टमेंट ठीक है डिस इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनी के शेयर्स हैं ठीक है उनको बेचना डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है तो डिसमेंट क्या होता है शेयर को क्या करना सेल करना देना, दिस इस दिस तो इस के तहत जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग थी उन्होंने अपने जो शेयर है वो सेल आउट किए इससे क्या हुआ उनमें प्राइवेट जो कंपनीज है उनके भी स्टेक इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बढ़ गए ठीक है तो दिस इज डिस इन्वेस्टमेंट चौथा जो है दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल लिबरलाइजेशन देखिए लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारवादी पॉलिसी लिबरलाइज करना लिबरल होना उदार होना ठीक है तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल का मतलब है कि जो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन है जो बाहर से जो पैसा आ रहा है फॉरेन कैपिटल जो आ रहा है ठीक है उसके प्रति उदारवादी हो, हो, हो. यानी बाहर का पैसा भी अब इंडियन फर्म्स में जो इंडिया की जो फर्म्स हैं उसमें बाहर के भी पैसे को एक्सेप्ट किया जाए फॉरेन कैपिटल को भी एक्सेप्ट किया जाए ठीक है तो उसके लिए जो ये जो न्यू पॉलिसी आई थी ये अब क्या हो गई लिबरल हो गई इवन कुछ फॉर्म में तो हंड्रेड परसेंट एफडीआई अलाउ हो गया एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर बाहर की कंपनीज इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो एफडीआई के थ्रू करती हैं, ठीक है ठीके? तो हंड्रेड परसेंट तक एफडीआई अलाउ हो गया

टेक्निकल कोलैबोरेशन टेक्निकल मतलब कुछ टेक्नोलॉजी वाइज कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करना चाह रही है कोलैबोरेशन करना चाह रही है तो उसके लिए परमिशन दी गई अगला और आखिरी जो फीचर है इस पॉलिसी का दैट इज सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जिसको एफआईपीबी कहते हैं ठीक है एफआईपीबी क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तो इस पॉलिसी के तहत एफआईपीबी सेटअप किया गया जिसका पर्पस क्या था इसका पर्पस था टू प्रमोट एंड चैनलाइज द फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए बाहर से पैसा आए ठीक है उसको चैनलाइज करना और उसको प्रमोट करना बाहर से पैसा आएगा कैसे तो उसको चैनलाइज करना उनको गाइड करना ठीक है तरीका क्या होगा उसको चैनलाइज करना और फिर उसको प्रमोट करना दिस इज द पर्पज ऑफ दिस बोर्ड ये है पर्पज इस बोर्ड का एफ आई पी बी ठीक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ठीक ठीक है 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 तो 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 ये 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 छह छह थे इस के हम तो हम अगर इसको सम अप करें, ये जो मैंने है, अगर मैं, ये तो मैंने में है, अगर मैं इसको इसको करें जो जो मैंने मैंने हैं हैं मैं मैं में करूं तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यू है, इसका क्या पर्पस था इसका पर्पस था टू लिबरलाइज द इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लिबरलाइज करें ठीक है लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करें ठीक है और जो रोल है पब्लिक सेक्टर का उसको रिड्यूस करें और जो फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इंडियन इंडस्ट्री का उसको बढ़ाएं उसको इनकरेज करें ठीक है तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसके तीन मेन कंपोनेंट हैं ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये जो छह फीचर हैं इनको सम अप करें तो यही तीन पॉइंट निकल के आएंगे और यही तीन कंपोनेंट है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहिए चाहे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहिए इसके यही तीन कंपोनेंट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो हम आज पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक है तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत 1991 में ये कॉन्सेप्ट आया था एल का लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक है अब ये क्या होता है ये हम डिटेल में देखते हैं सबसे पहला क्या है सबसे पहला है लिबरलाइजेशन तो लिबरल होना उदारवादी होना तो लिबरलाइजेशन के थ्रू लिबरल पॉलिसी अपनाई गई इंडियन इकोनॉमी में इसके तहत जो अननेसेसरी पहले 1991 से पहले जो अननेसेसरी कंट्रोल और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे बिजनेस पे वो सब रिमूव किए गए वो सब हटाए गए

इसका पर्पज क्या था ये जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी फॉलो की गई ठीक है आई पॉलिसी इसका पर्पज क्या था इसका पर्पज था टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री जो कंट्री का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है ठीक है कंट्री ग्रो कर सकती है इंडिया ग्रो कर सकती है लेकिन उससे पहले बहुत सारे बैरियर थे 1991 से पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे बहुत सारे बैरियर थे बहुत सारे मतलब कंट्रोलिंग लगाई हुई थी तो उसकी वजह से क्या है अगर कोई फॉर्म ग्रो भी करना चाहे ना तो उस पर बहुत बैरियर थे कि वो नहीं कर पा रही थी तो उसको अनलॉक करना ठीक है ताकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे अनलॉक करना दिस इज द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी ये पर्पस था इस पॉलिसी का टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसीज टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड ठीक है लिबरलाइजेशन पॉलिसी का और क्या पर्पस था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनकरेज करे जो एमएनसीज है मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको इनकरेज करे कि वो इन्वेस्ट करे एंड एक्सपेंड करे ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके तहत ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसके तहत जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है उसको भी लिबरलाइज किया गया जो टैक्स रेट है उनको भी कम किया गया और फिर जो फर्म्स है उनको थोड़ी सी फ्रीडम दी गई ठीक है जो भी प्राइस है जो भी प्राइस है गुड्स की सर्विसेज की फर्म्स को थोड़ी सी फ्रीडम दी गई कि वो प्राइस इनके फिक्स कर सके ठीक है और जो गुड्स या सर्विसेज के मूवमेंट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उनको भी थोड़ा सा कम किया गया तो लिबरलाइजेशन के तहत ये सारे काम किए गए राइट चलिए आगे बढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन यानी देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दो उससे पहले पहले 1991 से पहले क्या था मतलब कह लीजिए जितनी भी फर्म्स थी सब पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती थी सब गवर्नमेंट कंपनीज थी लेकिन 1991 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो उसके तहत क्या है प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसे बढ़ाने की कोशिश की गई बढ़ाया गया तो वही है कोई इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आना ही पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर पे जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उन्हें हटाया गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया ठीक है और जो पब्लिक सेक्टर है उनके रोल को रिड्यूस किया गया

डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू सुना होगा ना पीएसयू उसी को कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो पीएसयू जो है उनके शेयर को सेल किया गया ठीक है उनके शेयर को सेल किया गया देखिए अच्छा कि मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ देखिए कोई कंपनी है कोई पीएसयू है ठीक है उसके हंड्रेड परसेंट जो शेयर हैं पूरे के पूरे शेयर जो हैं गवर्नमेंट के पास हैं तो ये क्या है गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या किया गया इसके जो है शेयर जो है नॉर्मल पब्लिक को बेचे गए ठीक है इसके शेयर बेचे गए इसकी जो ओनरशिप है उसको सेल किया गया तो जब येल होकर शेयर सेल कर दिए जाए तो ये जो कंपनी है वो अब गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी इट बिकम द प्राइवेट कंपनी वो अब क्या हो जाएगी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी ठीक है तो दिस इज प्राइवेटाइजेशन ये होता है प्राइवेटाइजेशन ठीक है तो प्राइवेटाइजेशन कैसे किया गया के थ्रू मतलब चाहे, 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 चाहे इसके पार्शियल शेयर बेच दें, दें तो इसके थ्रू क्या होगी जो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो क्या होगी डाइल्यूट हो जाएगी ठीक है ओनरशिप खत्म हो जाएगी गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप बढ़ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया और दूसरा क्या तरीका है दूसरा है सेटिंग बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी देखिए बी आई एफ आर एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ बहुत ज्यादा मैंने गोज दिया है ठीक है दूसरा जो तरीका है प्राइवेटाइजेशन का दैट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ बी आई एफ आर बी आई एफ आर क्या है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फिर से बता रही हूँ बी आई एफ आर इम्पोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इट बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल आई एफ आर इस्टैब्लिश किए गए इसका पर्पज क्या था इसका पर्पज था जो सिख पीएसयूज है सिख मतलब सिख मतलब क्या होता है बीमार ठीक है जो सिख पीएसयूज है सिख पीएसयूज मतलब लॉस मेकिंग वो पी जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं, जो कई सालों से लॉस इनकर फिर से जिंदा करना और कैसे इनके शेयर को बेच करके इन, इनकी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे करके इनको फिर से रिवाइव करना तो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस बोर्ड ये मेन पर्पज था इस बोर्ड का बी आई एफ आर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल क्लोज कर दो वो नहीं चल पा रही है, तो फालतू तो में नुकसान ना करें उसको कर दें या फिर उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे करके उनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश किया जाए ठीक है तो इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन लिया तो ये दो तरीके हैं दो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कुछ महीने बाद देख रहे हैं कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली इसमें मैं काफी नए सब्जेक्ट एड कर चुकी होंगी ये अभी तक है अभी तक मैं इतने सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो बेटर होगा कि अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के हैं चाहे आप इलेवेंथ ट्वेल्थ के हैं चाहे ग्रेजुएशन के हैं चाहे मास्टर्स के हैं, चाहे की तैयारी कर रहे हैं अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे तो तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर कैसा था आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल होना ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल global होना इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इंटीग्रेट करना नेशनल इकॉनमी को विद द वर्ल्ड इकोनमी ठीक है नेशनल इकॉनमी यानी हमारे नेशन की जो इकोनॉमी है इंडियन इकॉनमी को पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी से मिलाना इंटीग्रेट करना दिस इज द ग्लोबलाइजेशन ठीक है ग्लोबलाइजेशन मतलब अब इंटरनेशनल ट्रेड्स को यानी बाहर के साथ इंटरनेशनल ट्रेड को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको और ज्यादा प्रमोट करना उसपे जो बैरियर्स लगे हुए थे उनको हटाना ठीक है कैपिटल मूवमेंट होना कैपिटल मूवमेंट होना यानी बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर पाए इंडिया की कंपनी अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो बाहर इन्वेस्टमेंट कर पाए ठीक है तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल होना ठीक है केवल इंडिया के लेवल पे ना सोचना पूरे वर्ल्ड के लेवल पे सोचना इंडिया की कंपनी बाहर ट्रेड करे बाहर की कंपनी इंडिया में आ, इंडिया में आके ट्रेड करे और ये जो पहले जो इतने सारे बैरियर्स लगे थे वो हट जाए ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज का भी मूवमेंट हो और कैपिटल का भी मूवमेंट हो ठीक है इंडिया के लोग बाहर की भी सर्विसेज ले सके गुड्स यूज कर सके बाहर के लोग इंडिया के गुड्स यूज कर सके सर्विस तो गुड्स एंड सर्विसेज का भी मूवमेंट हो प्लस कैपिटल का भी मूवमेंट हो ठीक है बाहर का पैसा भी इंडिया में आए एफडीआई के थ्रू बाहर का पैसा भी इंडिया में इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट हो इंडियंस भी अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो करें ठीक है तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन ये है ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका एम क्या था टू लिबरलाइज ट्रेड ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन के तहत इसका मेन एम क्या था कि जो फॉरेन ट्रेड है बाहर की कंट्री के साथ जो हमारे ट्रेड है इनको क्या किया जाए लिबरलाइज किया जाए ठीक है थोड़ी सी छूट दी जाए थ्रू रेशनलाइजेशन एंड टैरिफ स्ट्रक्चर पहले बहुत सारे टैरिफ लगे हुए थे टैरिफ मतलब टैक्स बहुत सारे लगे हुए थे ठीक है तो उन टैक्स को थोड़ा सा सिंपल किया गया बहुत कॉम्प्लेक्स थे वो तो उन्हें थोड़ा सा सिंपल किया गया और थोड़ा सा टैक्स स्ट्रक्चर को रिड्यूस किया गया तभी लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में सोच पाएंगे ठीक है और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी रिफॉर्म्स किए गए बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए ताकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉसिबल हो पाए ठीक है तो अब जो इंडियन इकॉनमी है ऐसा नहीं है कि वो एक आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर के वर्ल्ड से एकदम इंडिया अलग है ऐसा नहीं है अब तो इंडिया बहुत अच्छी बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में है बहुत बढ़िया ट्रेड इंडिया वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट फास्ट मूविंग इकोनमी हो गया है बहुत तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनॉमी है इंडिया ठीक है तो ये पॉसिबल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और भी बहुत सारे फैक्टर हैं तो उसके कारण क्योंकि इंडिया में बाहर से पैसा भी बहुत आ रहा है और इंडियन इकोनॉमी इंडियन जो फर्म्स है वो बाहर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है तो वो हो पा रहा है बिकॉज इतने सारे जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो हट गए ठीक है तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया है इससे जो लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस है ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया ग्लोबलाइजेशन से जो लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस है यानी एक इकॉनमी का दूसरे इकोनॉमी पे जो डिपेंडेंस है ठीक है वो बढ़ गई है इंटरेक्शन बढ़ गया है देखिए कोरोना के टाइम में इंडिया में तो जो वैक्सीन वैक्सीन इंडिया में बनाई गई वो वैक्सीन इंडिया में तो कंज्यूम हुई इसके साथ उसका कितना एक्सपोर्ट किया गया ठीक है तो ये क्या है इंटर बाहर की बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्हें इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन दी बाहर से भी इंडिया में बहुत कोरोना की वैक्सीन आई ठीक है तो ये क्या है ग्लोबलाइजेशन से अब इंटर डिपेंडेंस बढ़ गई है एक इकोनमी दूसरी इकोनॉमी पे इंटर डिपेंड है और इंटरेक्शन भी बहुत बढ़ गया है ठीक है तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात है ठीक है तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन ये है ग्लोबलाइजेशन तो अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलपीजी

यही इंडियन फर्म जो सामान जो गुड्स या जो सर्विसेज बना रही हैं वही हम लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं जो कस्टमर्स हैं उन्हें हमें यही कंज्यूम करना है ठीक है लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई बाहर से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर हुई तब वो अपने नए टेक्नोलॉजी के साथ नए प्रोडक्ट लेकर के आई तो इससे क्या हुआ मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दैट इज इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया ठीक है दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा मोर डिमांडिंग कस्टमर वही बात है अभी मैंने बताया ना अभी तक 1991 से पहले इंडिया में जो भी सामान बन रहा था वही सामान वही गुड्स वही सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे थे लेकिन उसके बाद 1991 के बाद जब एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे जो कस्टमर है इंडिया के वो भी क्या हो गए और ज्यादा अवेयर हो गए ठीक है अब वो और ज्यादा डिमांडिंग हो गए क्योंकि अब उनके सामने वाइड वेराइटी के बने हुए प्रोडक्ट भी उनके सामने हैं है। तो अब जो कस्टमर है वो ज्यादा डिमांडिंग हो गए अब उन्हें और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट चाहिए ठीक है ऑब्वियसली बात है जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है चाइनीज प्रोडक्ट अब तो चलिए चाइना चाइनीज प्रोडक्ट थोड़े कम यूज किए जा रहे हैं बीच में तो ऐसा टाइम था कि इंडियन प्रोडक्ट क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जा रहे थे और चाइनीज प्रोडक्ट थोड़े काफी सस्ते पड़ रहे थे तो बीच में क्या हो रहा था कि इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड काफी कम हो गई थी मार्केट में ठीक है जिसको डंपिंग डम्पिंग कॉन्सेप्ट है यूज होता है डंपिंग कहा जाता है इसको ठीक है तो ये क्या हुआ कस्टमर और ज्यादा डिमांडिंग हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण क्योंकि इससे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया बाहर की कंपनीज भी नए नए प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ गई और कस्टमर इतना अवेयर है ठीक है अब कस्टमर के सामने वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं तो वो बेटर क्वालिटी हमेशा खरीदेगा बेटर क्वालिटी और जो सस्ते रेट पे हो ठीक है तो अब कस्टमर डिमांडिंग हो गया तीसरा जो इसका इंपैक्ट हुआ वो ये हुआ कि रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली जैसे-जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा बाहर की कंपनीज इंडिया में आए तो कंपटीशन बढ़ने लगा तो इससे क्या हुआ अब इंडियन फर्म्स के लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी ही पड़ेगी ठीक है तभी वो इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे रह पाएंगे अब उन्हें न्यू मशीनरीज अब उन्हें और एडवांस मशीनरीज नए नए प्रोसेस प्रोडक्ट सर्विसेज मतलब यूज करने की जरूरत है तो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल इन्वायमेंट में चेंज आया 1991 के बाद चौथा जो इंपैक्ट पड़ा दैट इज नेसेसिटी फॉर चेंज जरूरत थी चेंज होने की ठीक है बिजनेस एनवायरमेंट 1991 से पहले काफी स्टेबल था अगर मैं बिजनेस एनवायरमेंट की बात करूं बिजनेस काफी स्टेबल थे जो बिजनेस प्लान्स हैं पॉलिसी हैं वो क्या होता था वो एक बार बना दिए वो सालों साल वही पॉलिसी वही प्लान्स चल रहे हैं 1991 से पहले ये कहानी थी लेकिन जब रिफॉर्म हुआ 1991 के बाद क्या हुआ क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो इसलिए क्या है हर साल नई प्लानिंग करने की जरूरत थी नई पॉलिसी बनाने की जरूरत थी स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत थी तो क्या हुआ देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर चेंज चेंज की जरूरत आई कि जिस धर्रे पे अभी तक चला आ रहा था वो नहीं चलेगा अगर मार्केट में सर्वाइव करना है देन यू हैव टू चेंज ठीक है तो ये ये एक चौथा इम्पैक्ट पड़ा था पांचवा इम्पैक्ट क्या पड़ा था नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ठीक है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज तो ऑर्गेनाइजेशन इवन मैं तो मानती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स जो है ना दिस इज द मेन एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है ना वो ह्यूमन रिसोर्स ही है देखिए मशीनरीज काम नहीं करती है मशीनरी से काम करवाया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज ही स्ट्रेटजीज बनाते हैं प्लानिंग करते हैं काम करते हैं उसको एग्जीक्यूट कराते हैं ठीक है तो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो उसके बाद देर वॉज अ रिक्वायरमेंट टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज वन से पहले ऐसी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पुराने तरीके से ही काम चल रहा था पुरानी मशीनरीज यूज हो रही थी वही मेथड वही प्रोसेस यूज हो रहा था तो ह्यूमन रिसोर्स उसके हिसाब से थे लेकिन जब न्यू टेक्नोलॉजी यूज होने लगी नई मशीनरी नई सारी चीजें यूज होने लगी तो देअर वॉज अ रिक्वायरमेंट कि ह्यूमन रिसोर्स ठीक है जो इंप्लॉयिज हैं वो क्या हो उनमें भी उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए उनका भी डेवलपमेंट पे काम किया जाए ठीक है उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए उनका भी डेवलपमेंट हो तो ये एक पांचवा इम्पैक्ट पड़ा छठा इम्पैक्ट क्या है मार्केट ओरिएंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट ओरिएंटेशन मार्केट ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि 1991 से पहले जो कॉन्सेप्ट यूज होता था मार्केट में दैट वाज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन

मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है कि फर्म को सबसे पहले क्या करना है मार्केट एनालिसिस करना है मार्केट एनालिसिस मतलब मार्केट में सर्वे करना है और फाइंड आउट करना है कि, कि किस प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट में और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन करना है और फिर वही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है ठीक है तो 1991 से पहले क्या होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज होता था यानी प्रोडक्शन कर दो बिक तो जाएगा ही सामान ठीक है क्योंकि वही सामान हमारे पास अवेलेबल था तो प्रोडक्शन अप्रोच यूज होता था लेकिन 1991 के बाद मार्केट अप्रोच यानी पहले सर्वे करो पता करो क्या बिकेगा क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो ठीक है तो मैंने काफी स्क्रीन पे गोज दिया है तो ये थे छह पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म के कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर एक बार चलिए मैं शॉर्ट में आपको समराइज कर देती हूँ क्या पढ़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा इसके कुछ फीचर्स पढ़े न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फिर इसके तीन मेन कंपोनेंट हैं एल पी जी वो हमने डिस्कस किया और फिर इसके बाद हमने पढ़ा इम्पैक्ट और आज के टॉपिक में जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आज हमने पढ़ा इम्पैक्ट लास्ट जो टॉपिक पढ़ा दैट इज ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिफॉर्म रिफॉर्म ऑन बिजनेस बिजनेस पे का क्या पड़ा ठीक है तो ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू